दोस्तों, आज हम लोग श्री राधा कृष्ण अष्ट सखी मंदिर में पधारे हैं। यहाँ पे गीता का पाठ बहुत ही भव्य तरीके से हो रहा है, तो आज इस मंदिर के परिसर में जो महाराज जी पधारे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम उनसे साक्षात्कार होने जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम महाराज जी से दो मीठे वचन सुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं महाराज जी के बारे में, इस कथा का विवरण और जो भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो जानते हैं महाराज जी से। नमस्कार महाराज जी। भाग्यनगर किया है पावन भूमि में पहली बार गीतामृतम एक अध्यात्म कथा के रूप में यहाँ पर एक श्याम संघ सरकार जो यहाँ अष्ट सखी राधा कृष्ण मंदिर देवस्थानम में संघ के रूप में यह सब मिल करके जो कार्य करते हैं, तो उन्होंने भाग्यनगर में पहली बार एक सुंदर सा आयोजन रखा है गीता के ऊपर। अभी तक आप लोगों ने राम कथा सुनी, कृष्ण कथा सुनी, भागवत के माध्यम से शिव पुराण सुने, बहुत सारे ऐसे ऐसे कथाएं आप सुनते हैं और आयोजन करवाते हैं, लेकिन गीता का प्रचार जिस रूप में हो रहा था वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मन में आया कि कथानक रूप से गीता की अगर प्रस्तुतिकरण अगर दी जाए तो बहुत अच्छा गीता के प्रचार के क्षेत्र में काम हो सकता है। इसलिए हम इस प्रोग्राम का नाम दे करके गीता अमृतम, क्योंकि गीता एक अमृत है और एक ऐसा अमृत है कि जिसका पान करने के बाद मनुष्य के समस्त दुखों का नाश होता है। तो यह पंचदिवसीय प्रोग्राम प्रारंभिक यहाँ पर एक अमृत कथा के रूप में परोसा जा रहा है और बहुत सारे श्रोता यहाँ पर आते हैं, लाभ लेते हैं। प्रतिदिन 3 बजे से शाम 6 बजे तक यह प्रोग्राम चलता है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा श्री अद्वैतानंद गिरिजी महाराज ने हमें गीता अमृत के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमें हमारे निजी जीवन में भी गीता अमृत का आचरण करना चाहिए। आज हमें बहुत ही अच्छा मौका मिला है स्वामी जी से साक्षात्कार करने के लिए। मैं स्वामी जी से एक निजी सवाल करना चाहूँगी कि आजकल की जो युवा पीढ़ी इतने तेज गति से आगे बढ़ रही है, उनमें एक ठहराव नहीं है एक संस्कृति परंपरा के बारे में, क्या आप हमारे युवाओं को कुछ बोलेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है बहन सालीमार, कि युवाओं को लेकर के आज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक बड़ी जिज्ञासा है कि उनके जीवन में किस प्रकार से एकदम से बदलाव हो रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपने जीवन को, अपनी संस्कृति को, अपने स्वभाव को 50 साल पीछे लेकर के जाओ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जिससे आपका हित हो रहा हो, जिससे आपका पतन ना हो, जिससे आपका जीवन दुखी ना हो, ऐसे कर्मों को, ऐसे आचरण को आप अपनाएं जिससे कि प्रत्येक युवा ही नहीं आने वाली पीढ़ी भी आपका गौरव करे। क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से बात करे, अगर कोई किसी व्यक्ति का, किसी युवा का पिता अगर शराब पी रहा हो और उसके पिता से हम कहें कि आप चाहते हैं कि आपकी संतान शराब पिए, तो वो भी कहते नहीं, हम कभी नहीं चाह सकते। तो सीधी सी बात है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी अपने जीवन को संयमी बनाए। जैसे गीता में कहते हैं, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्य स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। जीवन में समस्त कई प्रकार के दुख हैं और जीवन ही एक प्रकार का दुख है। अगर इन दुखों से निवृत्त होना चाहते हो तो आहार विहार से अपनी यात्रा शुरू करके और विचारों तक पहुंच करके, और विचार जब विचार शुद्ध हो गए, आहार शुद्ध हो गए, मन शुद्ध हुआ, विचार शुद्ध हुए, और फिर पूरा जीवन तुम्हारा शुद्ध होगा। और शुद्ध का अर्थ है कि वह जीवन जब तुम एक आनंद में भरे रहो। तो हम सभी युवाओं को कहेंगे कि अपने आहार विचार और संगति को शुद्ध करके आप आगे बढ़ें और आपका जीवन कल्याणमय हो। महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी में शादियां अपनी मर्जी से हो रही है। पहले क्या था, माता पिता, परंपरा, संस्कृति सभी को ध्यान में रख के, गोत्र, कुल, ये सभी को ध्यान में रख के पहले विवाह संपन्न होता था। लेकिन आजकल जितना जल्दी विवाह हो रहा है उतना जल्दी डाइवर्स भी हो रहे, तो
बच्चों में चूक हो रही, माँ बाप में चूक हो रही, या हमारे स्कूल की शिक्षा में चूक हो रही, या जो हमारे आसपास का माहौल है, दोष तो हम किसी को नहीं दे सकते, लेकिन कमी कहाँ हो जा रही बच्चों को, जो तेज़ गति में वो लोग रफ्तार पकड़ रहे, फिर वो ठोकर भी खा रहे, तो उनका जिम्मेदार या समाज है या स्कूल है, या हम उनको ठीक से घर का माहौल नहीं मिल सका। तो एक अपना क्षेत्र रखता है समझने समझाने के लिए, लेकिन एक बात मैं उन युवाओं को और युवतियों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यह विवाह के क्षेत्र में और अपने जीवन के क्षेत्र में जो स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं ना, वो एक प्रकार से गलत है मेरे हिसाब से। हो सकता है आप लोग के हिसाब से अच्छा हो, क्योंकि विवाह की पद्धति केवल एक नहीं है, शास्त्रों में 5-5, 7-7 पद्धतियाँ बताई हैं, लेकिन जो उत्तम विवाह है वो है अपने माता पिता गुरुजनों के सहमति से। अब आती है बात कि जो आज के समय में युवक युवतियाँ विवाह करते हैं और उसके बाद वो तलाक की ओर आ जाते हैं। पहले के समय में आप देख सकते हैं कि कोई फैमिली कोर्ट नहीं होता था, घर परिवार के लोग, बड़े बुजुर्ग गुरुजन मिलकर के उनके अगर कोई विवाद हुआ तो उसको सुलझा देते थे, तो उनका अपने आप सहज ही उनका जीवन अच्छा चलता था। कभी किसी के जीवन द्वंद आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया कि एक कोर्ट ही अलग से बनाना पड़ा, परिवार नियोजन कोर्ट के जिसको बोलते हैं कि परिवार को एक करने के लिए। लेकिन जितना सुविधाएं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, उस प्रकार से यह व्यवस्था जो है सफल नहीं है। आज 90% जो अपनी पसंद से शादी करते हैं, कुछ समय में वो कोर्ट पे नज़र आते हैं। इसलिए, और उसका कारण भी मैं बताता हूँ, जिसको तुम प्रेम कहते हो कि हमने एक दूसरे से प्रेम किया और विवाह के लिए राजी हो गए, एक प्रकार को प्रेम नहीं, आकर्षण है। और आकर्षण उस अवस्था में व्यक्ति के अंदर होता ही होता है, लेकिन थोड़े से संयम रखने की बात है कि जब तक एक दूसरे को अच्छे से समझो ना, तो समझने की दृष्टि कौन देगा, पहचानने की दृष्टि कौन देगा। कहते तुम्हारे माता पिता देंगे, क्योंकि उनका जीवन तुम्हारा, क्योंकि तुमको जन्म भी उन्होंने ही दिया है, और तुम्हारे जीवन से उनका डबल जीवन है, उन्होंने उनके जीवन का अनुभव है क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, हर एक माता पिता जानते हैं। इसलिए उन युवक युवतियों को मैं यही कहूँगा कि कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर कोई भावना उमड़ती भी है, किसी के प्रति आपका प्रेम बढ़ता भी है, तो अच्छी बात है, लेकिन माता पिता की सहमति के बिना आप बिल्कुल विवाह आदि संबंध ना करें, उनकी सहमति लें और उनसे उनके उन पर आश्रित होकर के करें। फिर धीरे धीरे जब तुम समर्थ होते हो तो माता पिता तुमको स्वयं स्वतंत्र कर देते हैं, यही मैं कहना चाहूँगा। हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी गुरुजी ने, तो गुरुजी से हम आखिरी सवाल करेंगे। आज के जो जनरेशन में अंधविश्वास, काला जादू जिसे कहा जाता है, क्या वो सत्य है, या ईश्वर की जो दया दृष्टि कृपा दृष्टि हम जो पूजा पाठ करते हैं वो सत्य है? खासकर बहुत सारे लोग देखते हैं कि हाँ, आजकल जादू टोना ज़्यादा चल रहा है, वो जैसे किसी का काम खराब करना, किसी के ऊपर बुरी दृष्टि डालना, या बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो महिलाओं का बहुत ही झकझोड़ देते हैं। तो मैं गुरुजी से ये पूछना चाहूँगी, क्या काला जादू सही में होता है या अंधविश्वास है आजकल के ये जनरेशन में? देखो, हम वैदिक परंपरा के वैदिक युग में जीने वाले लोग हैं और हम भी एक युवा ही हैं जिस प्रकार से लोग जीते हैं, लेकिन इस काला जादू या फिर इस प्रकार के कुछ चमत्कार में की अगर चर्चा करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये मानसिक एक प्रकार की एक बीमारी है लोगों के अंदर। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि कुछ लोग एक दूसरे को जलन में मोहल्ले में डरवाने के लिए, भयभीत करने के लिए नींबू में लौंग ऐसे लगा करके और ऐसे डाल देते हैं रास्ते में उसके घर में, तो होता कुछ नहीं ना उसमें, कुछ उसने मंत्र पढ़ा ना कुछ, लेकिन मन में बैठा है कि कुछ कर दिया इसने। तो एक जगह मैं ऐसे खड़ा था उसमें, और छोटा था, 15-20 साल पहले की बात है, तो बहुत सारे वहाँ उस घर के निकल के आ गए, देखो हमारे यहाँ किसी ने जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं।
अब मैं मेरे मन में आया कि ये कुछ होता ही नहीं, बचपन से मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता था और आज भी नहीं करता हूँ। इस विश्वास की बात है, जिस चीज़ को तुम मान लोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में बार बार खटकेगी। इसलिए मैंने उस नींबू को उठाया, हाथ से ही फेंक दिया, तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, ना मेरे को कुछ हुआ, लेकिन जो देख रहा था उसके मन में बैठा था ये बात, तो वो तो परेशान हो रहा था। तो ये केवल मानसिक बीमारी है और आधुनिक विज्ञान के युग में थोड़ा सा आप मन से हृदय से खुल कर के जिए और इन सब बातों में विश्वास ना करें। और अगर विश्वास करना है तो परमात्मा में विश्वास करें, तो सबका नियंता है, सबका कर्ता है, जो सबका धरता है और सबका पालन पोषण करता है। अच्छा एक बात बताओ, हम अपनी इच्छा से सांस भी नहीं ले सकते। अगर मैं कहूँ आप अपनी नाक बंद कर लो, थोड़ी देर में आप तड़फड़ाने लगेंगे। अगर मैं कहूँ अपनी आत्महत्या करो बिना इच्छा के, कोई वेग उठे तो बात ले, कोई फांसी लगा ले, कोई जहर खा लिया, लेकिन अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता व्यक्ति बिना परमात्मा के अनुग्रह से, बिना परमात्मा की कृपा से। बहुत से लोग अंतिम अवस्था में प्रार्थना करते कि भगवान हमको हे प्रभु हमको जल्दी उठा ले। अगर ऐसा हो तो वो स्वयं ना शरीर छोड़ के चले जाए, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कभी किसी को कोई भी सुख नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता और सुख भी नहीं दे, सुख भी एक ब्रह्म है। तो सुख दुख कोई किसी को नहीं दे सकता, बस वह हमारे स्वभाव में, हमारे कर्म के अनुसार वो हमको मिलते हैं। हाँ ये है कि भगवान के प्रेम, भगवान की करुणा पा करके वो आनंदित हो सकता है। तो भगवान पर विश्वास रखें, भगवान के प्रति भगवान की करुणा का अनुभव करें, तो आपके जीवन में किसी काले जादू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना किसी को करवाने की ना करने की। मैं अपने परिचय के रूप में अगर मैं कहूँ, मेरा नाम स्वामी अद्वैतानंद गिरी है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव का नाम युग पुरुष स्वामी महाआचार्य महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, जो वर्तमान में राम मंदिर अयोध्या न्यास के स्थायी ट्रस्टी भी हैं, मैं उनका कृपा पात्र हूँ। वैसे कुछ समय से मेरा अधिक समय गंगोत्री धाम में रहने का सौभाग्य मिल रहा है और मेरी संन्यास दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव से हुई है, और कुछ समय गुरुकुल में भी अध्ययन करने का अवसर मिला। आप सब जानते हैं योग पुरुष स्वामी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के गुरुकुल में, वैदिक गुरुकुलम में मैंने अध्ययन किया। लगभग 7 से 7.5 वर्ष वहाँ पर रह करके और इस अध्यात्म पथ में चलने का एक रास्ता मिला, कुछ शास्त्रों को जान करके, व्याकरण को जान करके। तो बस इतना ही मेरा परिचय है और ज़्यादा परिचय तो मैं क्या दूँ, धीरे धीरे हमारा स्वभाव हमारा कर्म परिचय दे देता है। ओम गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिनकी कृपा जिनकी अनुग्रह से आज हम यहाँ बैठे हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। ओम भगवते तव तेरे निर्मात्रसनोहम् विगत विषय वितृष्णा कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान चंगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदात तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदात वसुदेव सुतम देवम कंसचारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुं कृष्णं वंदे जगत गुरुं। बहुत बहुत साधुवाद बहन सालीमार को कि यह सिटी न्यूज के माध्यम से एक वार्तालाप इन्होंने किया। और मैं तो कहता हूँ किस प्रकार के गीता के प्रचार आज होना चाहिए, आज जन जन की आवश्यकता है। जब न्यायालय में हम गीता में हाथ रखे की कसम खा सकते हैं, गीता को क्यों नहीं पढ़ सकते। आज समस्या ये है कि गीता में हाथ रख के लोग कसम तो खाते हैं लेकिन बोल झूठ देते हैं, क्योंकि गीता में सत्य क्या है किसी को नहीं पता।
तो पढ़ोगे, जानोगे, स्वाध्याय करोगे, तब गीता का सत्य तुमको पता चलेगा और तुम झूठ कभी ना बोलोगे, सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ धर्म सम्मत व्यवहार होगा। यही मेरी यही मेरा संदेश है। ओम। दोस्तों, महाराज जी ने अभी हमें बहुत ही अच्छे बातों का रसपान कराया। गीता का जो उद्देश्य हमारे जीवन में, जो गीता के बारे में महाराज जी ने बोला, आज के टीनेजर्स को गीता के श्लोक, गीता का अध्याय अपने जीवन में अनुग्रह करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारी टीनेजर्स को संस्कृति, सभ्यता, परिवार के साथ लेके चलना है, ना कि हमें एक अलग दौड़ में जाना है। हमें जो भी करना है वो हमारे संयुक्त परिवार, संस्कृति, सभ्यता, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, हमारा देश संस्कृति परंपरा के लिए ही जाना जाता है। इसीलिए आज हमारा भारत देश नंबर वन है। क्यों? क्योंकि बड़ों को आदर, छोटों को प्यार, इसीलिए आज हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ पायदान पे है। तो मैं सभी से यही अनुग्रह करूँगी जो महाराज जी ने हमें बोला, हमें हमारी परंपराओं का आदर करना चाहिए, संस्कृति को लेकर चलना चाहिए, परिवार को प्यार, इस तरह से हमारा परिवार पूरा होगा और हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। सभी टीनेजर्स को मिलके अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार, अपने गुरुओं का मान सम्मान करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस अमृत कथा के सहयोगी के रूप में हमारे परम पूज्य जो गुरु भाई हैं, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, परम पूज्य स्वामी एक रसानंद जी महाराज, जो कि इस भाग्यनगर की इस भूमि में पहली बार उनका आना हुआ है, और उनके से बहुत मैं प्रेरणा लेकर के इस प्रकार के कार्यों में आगे बढ़ता हूँ। तो स्वामी जी का आशीर्वाद भी, क्योंकि हमसे वरिष्ठ हैं इसलिए वो हमारा सहयोग भी करते रहते हैं और आशीर्वाद उनका बना रहता है। पूज्य स्वामी एकरसानंद जी महाराज जो हमारे साथ इस समय इस अमृत कथा का पान करने कराने के लिए सहयोगी के रूप में यहाँ पर आए। और इस वक्त इस अमृत गीता अमृतमिक अध्यात्म कथा जो एक सूत्रधार है, छोटी सी बालिका अभी लगभग 6 वर्ष की है, और इन बच्चों के आज के युग में बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रेरणा भी है, यशस्वी तो गीता कंठस्थ भी है। और कल आपने देखा इस चैनल में, शिव चैनल के माध्यम से, सिग्नल चैनल के माध्यम से, जिसने 16-17 अध्याय तक बीच बीच से पूछ रहे थे, तो श्लोकों को बड़े सुंदर ढंग से इसने प्रस्तुति की। अभी देखिए, तो एक उदाहरण के लिए अब हम चलते हैं छोटी सी बच्ची यशस्वी के पास, कुछ श्लोकों को सुनाएंगे। तो यशस्वी तैयार है? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नारायणं क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। बहुत सुंदर। इसलिए यह छोटी सी बालिका बता रही है, तो मैं पूछता हूँ, शुरू का एक शब्द बोलूंगा, वो श्लोक पूरा फिर बताएगा। क्लैब्यं मा क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। आगे इसके आखिरी आखिरी का श्लोक बताना है। पूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्यमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कायं प्रविशन्ति सर्वे तेव शशान्ति मां नोति न काम कामे। अनन्यश्चिन्तयन्तो मम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान् उवाच,
मैया वेशमनो एमाम नित्य उक्ता उपासते सिद्धयापयोपेता ते में युक्त तमामता एतवक्षरम निर्देशम अव्यक्तम परुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सर्नियम् न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्चेष्टानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापित्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि सयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठामनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सितं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मज्ञवस्थितं यतन्तोपकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयेत्यखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यमामकं गामाविशेष भूतानि धारायां या मोजसाम् पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वे राहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद विदेव चाहम् वेदान्तकृत् देव विदेव चाहम् पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च शरस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरोच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारता उदारता यो लोकत्रमाविश्य बिभर्त बहुत सुंदर कि जिस उम्र में बच्चे अपनी माँ का पल्लू नहीं छोड़ते और आजकल तो पल्लू का जमाना गया मोबाइल नहीं छोड़ते उस उम्र में बच्ची ने 16-17 अध्याय तक गीता कंठस्थ किए हैं और इनके जो परिवारजन हैं इनकी माँ इनकी नानी इनके मौसी सब साधुवाद के पात्र हैं। वैसे आप सब ये तो एक प्रेरणा है, आप सब ऐसे अपने बच्चों को संस्कार दें। आज संस्कारों की कमी है, साधनों की कमी नहीं है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अगर तुम अपने जीवन में अपने बच्चों को खिलौने नहीं दोगे मांगने पे तो थोड़ा देर रो करके चुप जाएंगे, और संस्कार नहीं दोगे जीवन भर रोएंगे और रुलाएंगे। तो आपको देना क्या है वो तो आपके ऊपर है। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, और संस्कार तुमको मिल सकते हैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों से और हमारे शास्त्रों से मिल सकते हैं। तुमको शास्त्र इस शास्त्र से जोड़ो कि उनका जीवन ही ऐसा शस्त्र बन जाए हर एक परेशानी को काटने में सक्षम हो। बस इतना ही हो। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च ज्ञान नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही उम्र में बहुत ही कम लेकिन प्रतिभा में सबको पछाड़ने वाली बेबी यशस्विनी जो हम जिसका आज साक्षात्कार हमने लिया है, प्रतिभा में उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। 6 वर्ष में जो बच्चों का मस्तिष्क परिपक्व नहीं होता, मात्र 6 वर्ष में बेबी यशस्वी जो गीता के श्लोक कंठस्थ करती है वो सोच के ही एकदम से अलग ही वे में जाता है। क्योंकि बच्चे ये उम्र में खेलना कूदना मोबाइल से गेम्स खेलना मस्ती करना उनको श्लोक क्या है नहीं मालूम। जो यशस्वी बेबी ने हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाया और महत्व दिया, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भी हमारे भाग्यनगर में इस तरह की बेबी प्रतिभाएं मौजूद है। हम इतने सक्षम होने के बाद भी भगवद गीता के कंठस्थ श्लोक हमारे
मुख से नहीं निकलते, लेकिन जो बेबी यशस्विनी है ना, उन्होंने आज जो हमें रसपान कराया गीता का, वो एकदम अविश्वसनीय है कि इतनी छोटी बच्ची मात्र 6 साल के, जो अपने मुखारविंद से इन्होंने हमें रसपान कराया भगवद गीता का, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज भी हमारे भारत में इस तरह की परंपराएं मौजूद है, और इनका जो पालन पोषण इनके परिवार वालों ने बहुत ही एक नेक तरीके से किया कि इतनी छोटी बच्ची को हम, आजकल के माँ बाप छोटे बच्चों को मुझे डॉक्टर बनाना है, मुझे इंजीनियर बनाना है, मुझे फॉरेन भेजना है, अपने बच्चों को पैदा होने से पहले वो अपने सपने पैदा करते, लेकिन इनके परिवार ने अपनी बच्ची को एक संस्कृति परंपरा के जो रास्ते पे ले गए, वो बहुत ही सराहनीय है। ये सोचने की बात है कि इतनी छोटी बच्ची क्या इतना बोल पाएगी, जो अपने माँ बाप का नाम भी ठीक से नहीं बोल पाते ये उम्र में, बच्चे खेलना कूदना जानते, लेकिन इस बच्ची ने 2 साल कोरोना काल में जो लोग बच्चों को मोबाइल टीवी लैपटॉप देते थे, इनके माता पिता ने अपने बच्ची के भविष्य और कैरियर को दिया। जैसे ये बच्ची गीता के कंठस्थ श्लोक बोलती है, वो बहुत ही अविस्मरणीय है। तो आइए हम बेबी से एक दो सवाल करते हैं। हेलो बेटा। हेलो। आपका नाम क्या है? यशस्विनी। यशस्विनी, आप स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में है? फर्स्ट क्लास। अच्छा, टीचर अच्छा देखते हैं आपको? हाँ। स्कूल में मस्ती करते? नहीं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। अच्छा, घर में मस्ती करते? नहीं। क्यों? खेलना कूदना नहीं पसंद, सिर्फ गीता भगवत गीता रामायण पढ़ना ही पसंद? बॉल खेलते। अच्छा, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? लूडो। लूडो, ओके। मूवी कभी देखी आपने? पिक्चर कभी कभी। कभी कभी, अच्छा। खाने में क्या पसंद आपको? पुलियोया। मम्मी कभी डांटते कि अरे यशस्वी ने होमवर्क नहीं किया, यशस्वी आज ऐसा कुछ होता घर में लड़ाई झगड़ा? नहीं, यशस्वी बेबी बहुत अच्छी संस्कारी है ना। माँ बाबा का बहुत ही लाड़ प्यार मिलता ना आपको? यस। कभी कभी डांट मिलती? थोड़ा थोड़ा। कि यशु ने होमवर्क नहीं किया, यशु ने आज खाना नहीं खाया? थोड़ा थोड़ा। अच्छा। तो डांस, संगीत, गाना कुछ पसंद आपको? डांस, संगीत, गाना, नृत्य कुछ अच्छा लगता? या नहीं, सिर्फ गीता भगवत गीता पढ़ना श्लोक अच्छा लगता? भगवत गीता पसंद लगता। ओके, तो आप व्यूअर्स को हाय बोलो। Hello. तो अभी आपने देखा, हमने यशस्वी बेबी से बहुत ही अच्छी तरीके से साक्षात्कार किया है। दोस्तों, ये बहुत ही गर्व की बात है, इतनी छोटी बच्ची जो हमारे बीच मौजूद है। इस बच्ची को देख के शायद हम अपनी प्रेरणा बना सकते हैं। मैं सभी दर्शकों से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, परंपरा और संस्कृति नज़दीक लेके जाइए, ताकि वो कल का भविष्य बन सके। आगे भी हम इसी तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे और प्रतिभाओं को आपके साथ साक्षात्कार कराते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय।